जी, मेरा नाम है नीरज और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नए तरीके की टेक्निक को लेकर के। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल हो गया है, गर्दन में स्वेलिंग आ गई है, गर्दन सूज गई है बहुत ज़्यादा, और आपके आसपास कोई भी नहीं है और आप एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पेन किलर्स की दवाइयाँ नहीं हैं और आपको ठीक होना है घर बैठे। या आप जिस जगह पे गए हैं, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपका बहुत दूर जाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे जब आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ आपको बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, कंधा पूरा जाम हो गया है, गर्दन पे स्वेलिंग आ गई है, मतलब गर्दन ऊपर की तरफ उठ करके आ गई है, या गर्दन पे फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिन लोगों के, तो ये वीडियो आज हम उनके लिए ही बना रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक चुन्नी, या तो चुन्नी हो या कोई ऐसा कपड़ा हो, चद्दर हो तो वो भी चल जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक। थोड़ा सा पाउडर और एक बोतल, मतलब ये बोतल आपके सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम है, बहुत तेज चक्कर जिनको आते हैं उनके लिए एक घरेलू रामबाण इलाज हो सकती है, एक ये बोतल और एक ये चुन्नी, ठीक। आप करना क्या है, पाउडर लेना है। पाउडर लेके जहाँ पर भी आपको लगता है गर्दन में स्वेलिंग आ गई है वहाँ पर हल्का सा पाउडर पहले लगा लेंगे। देखिए ये जो टेक्निक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी हो आपके साथ, आप अकेले ही कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अपने हाथ को घुमा करके लेकर के आएंगे और हल्का हल्का सा पहले स्टिमुलेट कर देंगे उस जगह को जहाँ पर गर्दन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे थोड़ा पास लेकर आओ, ऐसे हल्का हल्का सा स्टिमुलेट कर देंगे ताकि जो वो जगह है थोड़ी सी हिल जाए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा चालू हो जाए। तो आप इसको कितनी देर करेंगे, 2 से 3 मिनट, मैंने तो मुश्किल से 30 सेकंड किया है। फिर चुन्नी आप ले लेंगे, ऐसे चुन्नी को ऐसे रखेंगे, ठीक है, हाथों में से निकलवाएंगे, ऐसे लाइए, आइए आप इधर आइए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको एक गांठ बांध देंगे, ठीक है, ऐसे करके आप एक गांठ बांध देंगे, एक ही गांठ बांधनी है ये ध्यान रखना। उसके बाद में इस बोतल को लेंगे, यहाँ रखेंगे, आप इधर आओ, बोतल पकड़ो इधर, और इसको ऐसे बांध देंगे, ऐसे करके कस देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहां पर आता है मेन काम, नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट को आप जितना कसेंगे क्या होगा, वो जगह टाइट हो जाएगी। मान लीजिए कहीं पे आप कोई पार्ट होता है वो खराब होता है तो हम उसको टाइट कर देते हैं नट बोल्ट को, तो वो क्या होता है, बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे। अब यही काम करेगी ये बोतल, देखिए आप जैसे जैसे इसको घुमाएंगे इस तरीके से, ये देखिए मसल्स ऑटोमेटिक खिंचाव डालेंगे। देखिए तो आप यहाँ पर एक बार वीडियो कैमरे को थोड़ा पास लेकर आइए ताकि जो भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से देख सकें, ठीक है। ठीक, ये देखिए ऐसे, तो ये जितना आप घुमाएंगे, देख रहे हैं जितना आप घुमाएंगे उतना आपके जो यहाँ के जो मसल्स हैं, यहाँ की जो नसें जो जाम हो गई हैं सारी की सारी खुल जाएगी, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको करना कितनी देर है, देखिए इसको ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, और आप कहीं टेक लगा लेंगे इस तरीके से, रुक जाएंगे यहाँ पर। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर रखा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करना है, ना समझ में आए कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, फिर भी ना समझ में आए तो फ़ोन कर लेना, नंबर है उसके अंदर तो आप फ़ोन भी कर सकते हो। जब ये हो जाएगा इसको करना है 5 से 7 मिनट, ठीक है। दिन में कितनी बारी करना है, 3 बारी करना है। करना किनको है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिनकी सिचुएशन सीरियस है, आसपास कोई दवाई की दुकान नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, घर में एक खाली बोतल पड़ी है, चुन्नी पड़ी है, बस इतना बहुत है, पाउडर है नहीं है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो तो कृपया करके आप नीचे कमेंट करके अपनी बीमारी के बारे में भी लिख सकते हैं कि सर इस बीमारी के बारे में हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसके ऊपर 100% एक वीडियो और बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।